हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और ऑन है हेरिटिज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मॉरल रोजाना एडोडा एलिजाबैथ पैन्ना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए हैं एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सेनाटना, माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन हंड्रेड एट मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मिलियन डॉलर। तो चलिए इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर के रूप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मॉरल्स के रूप में डैनिए वन जेरे लूडवी के रूप में जोए पेंटोलिनो बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेक्यूलिन के रूप में स्टीफन ली एज द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में कॉन्सेपियन वेलेनुजुला द रियल कॉनिया रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचर एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वेज ए लुइज यंगर ब्रदर एज रिचेज लीलो इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार बार आने वाले बारो के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से जल कर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मॉरलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी माँ को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिचि अपने गिटार पर कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और दोनों इसमें शामिल नहीं होती रिचि ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव फाइ रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं न, उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक पेनिक लड़के के साथ डेटिंग कर स्कै करने, करने के बावजूद रिचि और दोनों एक जोड़े बन गए और रिचि ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम और लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया रिची को अपना पेशवर नाम रिची रिचि देता है जिसे पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताए वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ला बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और बेस्ड ऑन हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडोडा एलिजाबैथ पो पेंटोलिनो लुई फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए हैं एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउच और इसे म्यूजिक दिए हैं कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज़ डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन हंड्रेड एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो डायमंड फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब मॉरल रिचेस हाफ ब्रदर के में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलुनजुला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पेना एज रोजिया मॉलर मौले, मॉरल्स ग्रुप में डेनिएला वॉन जेरेनेक एज डोना लुडविक के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना ग्रुप में रिक डिज एज टेरक्यूलिन के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर ग्रुप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडविग डोनाल्ड्स फादर ग्रुप में कॉन्पिन द रियल वेलेनुजुला रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचिया एंड एट द फैमिली पार्ट डेनियल वर्ल्ड लुइज यंगर ब्रदर एज अंगल लीलो और इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार बार आने वाले दुष्पुरों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुरच कुछ जलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट दिलहूड्स सिल में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह सिल्हुट्स प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिची अपने गिटार पर प्रस्तुत कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और दोनों डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद सिल्हुट्स का नया नेता बन गया हालांकि नशे में बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में सबके मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक हिस्पैनिक लड़के के साथ डेटिंग का करने करने के बावजूद रिची और सुडोन दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टूगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिचि ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात, रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और ऑन है हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर है और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडेसुडा एलिजा पैना जो पेंटोलिनो लुई फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सेनाटना, माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन एट मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर के रूप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मॉरल्स के रूप में डैनिए वन जेरे लूडवी के रूप में जोए पेंटोलिनो बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेक्यूलिन के रूप में स्टीफन ली एज द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में कॉन्सेपियन वेलेनुजुला वेलेनजूला वेल द रियल कॉनिया रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचर एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वेज ए लुइज यंगर ब्रदर एज रिचेज लीलो और इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार बार आने वाले बारो के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान सेल कर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मॉरलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह से पर प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिचि अपने गिटार पर प्रदर्शित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो, डोना इसमें शामिल नहीं होती रिचि ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव फाइ रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं न, उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक स्पेनिक लड़के के साथ डेटिंग कर स्कैक करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन अंत स्वीकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेलडेज और लिखे हैं लुइस वेल्डज और बेस्ड ऑन है हेरिटिज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मॉरल रोजाना एडोडा एलिजाबेथ पैन्ना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउच और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो डायमंड फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब मॉरल रिचेस हाफ ब्रदर के में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचर्स मदर के रूप में एलिजाबे मॉरल मौले, में डेनियोना के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के रूप में रिक टेरक्यूल के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में वेलेनुजुला, द रियल कॉनिया वेलेनुजुला रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचिया एंड एट द फैमिली पार्ट डेनियल वर्ल्ड लुइज यंगर ब्रदर एज अंगल लीलो और चलिए मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने वाले दुःप्रणों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुचकलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट दिलहूड्स सिल में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू तो कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह सिल्हुट्स प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिची अपने गिटार पर प्रस्तुत कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और दोनों डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद सिल्हुट्स का नया नेता बन गया हालांकि नशे में बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में सबके मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक हिस्पैनिक लड़के के साथ डेटिंग का करने करने के बावजूद रिची और सुडोन दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिचि ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात, रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और ऑन है हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डेन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडेसुडा एलिजा जो पेंटोलिनो लुई फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन एट मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर के रूप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मॉरल्स के रूप में डैनिए वन जेरे लूडवी के रूप में जोए पेंटोलिनो बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेक्यूलिन के रूप में स्टीफन ली एज द बिग पॉपर के रूप में सैम फादर के रूप में कॉन्सेपियन वेलेनुजुला द रियल कॉनिया रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचर एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वेज ए लुइज यंगर ब्रदर एज रिचेज लीलो इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने बार वाले दुःस्वप्नों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुचकुलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मॉरलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिचि अपने गिटार पर कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और दोनों इसमें शामिल नहीं होती रिचि ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव फाइ रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं न, उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक स्पेनिक लड़के के साथ डेटिंग कर स्कैक करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लेवेलेस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन से विकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और बेस्ड ऑन है हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डेन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडेसुडा एलिजाबेथ पैन्ना जोय पेंटोलिनो लुई फिलिप्स और इसे दी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउच और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस ग्रुप में इजाई मोरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर ग्रुप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर ग्रुप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मॉरल ग्रुप में में वॉन वन एज डोना लुडविक ग्रुप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना ग्रुप में रिक डिज एज टेड के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में कॉन्सेप्शियन वेलन्यूजूला वेल द रियल कॉनिया रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू तो रिचिया एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वल्ड एज ए लुइज यंगर ब्रदर एज, एज रिचे लीलो और मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड "ची" स्टीवन वालेज़ुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन-अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्सियोन कोनी वालेज़ुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है। उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है। उसे संगीत पसंद है, विशेषकर रॉक एंड रोल और रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने वाले दुःप्रणों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुचकुलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट दिलहूड्स सिल में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह से प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिची अपने गिटार पर प्रदर्शित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो, डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से का नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में सबके मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं उन उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक हिस्पैनिक लड़के के साथ डेटिंग का कर, स्कैक करने, करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिचि ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात, रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग कमेंट करके वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेलडेज और लिखे हैं लुइस वेलडेज और बेस्ड ऑन है हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डेन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडेसुडा एलिजा बेथ पैना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इस वन एट मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो डायमंड फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब मॉरल रिचेस हाफ ब्रदर के में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिच मदक रूप में एलिजाबेथ पेना एज रोजिया मॉरल मौले, के में डेनियला वॉन जेरेनेक एज डोना लुडविक के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेरिकुलेन के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर लुडविंग डोनाल्ड फादर के में वेलेनुजुला, द रियल कॉनिया वेलेनुजुला रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमे सिटिंग नेक्स्ट टू एंड एट द फैमिली पार्ट डेनियल वर्ल्ड एज ए लुइज यंगर ब्रदर एज रिचेज लीलो और इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने बार वाले दुःस्वप्नों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुरच कुछ कर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मॉरलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी माँ को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिचि अपने गिटार पर कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो, डोना इसमें शामिल नहीं होती रिचि ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव फाइ रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं न, उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक स्पेनिक लड़के के साथ डेटिंग कर स्कैक करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन अंत स्वीकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेलडेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और बेस्ड ऑन है हेरिटिज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मॉरल रोजाना एडोडा एलिजाबेथ पैन्ना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन हंड्रेड एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मोरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर के रूप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मॉरल मॉरेस के रूप में डैनिए एज जेरेजोना लुडविक के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेड के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में कॉन्सेप्शियन वेलन्यूजूला वेल द रियल कॉनिया रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू तो रिचिया एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वेल्ड एज ए लुइज यंगर ब्रदर एज, एज रिचे लीलो और मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने वाले दुःस्वप्नों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुचकुलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट दिलहूड्स सिल में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिची अपने गिटार पर प्रदर्शित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो, डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया का नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत तो बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं किन उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक लड़के के साथ डेटिंग कर, करने करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम और लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची रिचि देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन अंत स्वीकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात, रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिची को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिची को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और ऑन है हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडेसोडा एलिजाबेथ पन्ना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए है एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सेनाटना, माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज़ डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका टाइम एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो डायमंड फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब मॉरल रिचेस हाफ ब्रदर के में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिच मदक रूप में एलिजाबेथ पेना एज रोजिया मॉरल के रूप में डेनियला वॉन जेरेनेक एज डोना लुडविक के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के में रिक डिज एज टेरिकुलेन के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर लुडविंग डोनाल्ड फादर के में वेलेनुजुला, द रियल कॉनिया वेलेनुजुला रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमेटिंग नेक्स्ट टू एंड एट द फैमिली पार्ट डेनियल वर्ल्ड एज ए लुइज यंगर ब्रदर एज रिचेज लीलो और इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार बार आने वाले बारो के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से जल कर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह सेलहोर्ट्स प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में मेरिची अपने गिटार पर प्रस्तुतित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अनपार्टी के में जवाबी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद सेलहोर्ट्स गया नया नेता बन गया हालांकि नसीम मेधूत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव फा, रिकॉर्ड्स में सबके मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक हिस्पैनिक लड़के के साथ डेटिंग कर करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम और लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताय वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ला बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और बेस्ड ऑन हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडोडा एलिजाबैथ पो पेंटोलिनो लुई फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए हैं एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्रॉच और इसे म्यूजिक दिए हैं कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज़ डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन हंड्रेड एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मोरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर के रूप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मॉरल मॉरेस के रूप में डैनिए एज जेरेजोना लुडविक के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेड के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में कॉन्सेप्शियन वेलन्यूजूला वेल द रियल कॉनिया रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू तो रिचिया एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वल्ड एज ए लुइज यंगर ब्रदर एज, एज रिचे लीलो और प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुलो एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी माँ कॉन्सेप्शनो कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने वाले दुःप्रूर्णों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुचकुलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट दिलहूड्स सिल में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह से प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिची अपने गिटार पर प्रदर्शित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और दोनों इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से का नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत तो बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं किन उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक हिस्पैनिक लड़के के साथ डेटिंग का कर, स्कैक करने, करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिचि ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात, रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और ऑन है हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर है और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एलिजा बेथ पैन्ना जो पेंटोलिनो लुई फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन एट मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो डायमंड फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब मॉरल रिचेस हाफ ब्रदर के में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिच मदर के रूप में एलिजाबेथ पेना एज रोजिया मॉरल के रूप में डेनियला वॉन जेरेनेक एज डोना लुडविक के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के में रिक डिज एज टेरिकुलेन के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर लुडविंग डोनाल्ड फादर के रूप में वेलेनुजुला, द रियल कॉनिया वेलेनुजुला रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमे सिटिंग नेक्स्ट टू एंड एट द फैमिली पार्ट डेनियल वर्ल्ड एज ए लुइज यंगर ब्रदर एज रिचेज लीलो और इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार बार आने वाले बारो के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान सेल कर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन ऋषि का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह सेलहोर्ट्स प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में मेरिची अपने गिटार पर प्रस्तुतित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अनपार्टी के में जवाबी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद सेलहोर्ट्स गया नया नेता बन गया हालांकि नसे मेधु बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में सबके मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं उनकी न, उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक हिस्पैनिक लड़के के साथ डेटिंग कर करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लेवेल्स देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेलडेज और लिखे हैं लुइस वेल्डज और बेस्ड ऑन है हेरिटिज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मॉरल रोजाना एडोडा एलिजाबेथ पैन्ना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए हैं कॉल सन्नाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका टाइम है वन हंड्रेड एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मोरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर के रूप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मोरल मॉरेस के रूप में डैनिए वन जेरेजोना लुडवी के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेड के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में कॉन्सेप्शियन वेलन्यूजूला वेल द रियल कॉनिया रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचिया एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वेल्ड एज एज यंगर ब्रदर एज रिचे लीलो और प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने वाले दुःप्रणों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुचकलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट दिलवुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू तो कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिची अपने गिटार पर प्रदर्शित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो, डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव फा, रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं किन उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक हिस्पैनिक लड़के के साथ डेटिंग का कर, स्कैक करने, करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिचि ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात, रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और ऑन है हेरिटिज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर है और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एलिजा बेथ पैन्ना जो पेंटोलिनो लुई फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन एट मिनट और ये स्ट्रीट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो डायमंड फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब मॉरल रिचेस हाफ ब्रदर के में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिच मदर के रूप में एलिजाबेथ पेना एज रोजिया मॉरल के रूप में डेनियला वॉन जेरेनेक एज डोना लुडविक के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेरिकुलेन के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर लुडविंग डोनाल्ड फादर के रूप में वेलेनुजुला, द रियल कॉनिया वेलेनुजुला रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमे सिटिंग नेक्स्ट टू एंड एट द फैमिली पार्ट डेनियल वर्ल्ड एज ए लुइज यंगर ब्रदर एज रिचेज लीलो और इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिचर्डी स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाइयों और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार बार आने वाले बारो के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से जल कर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह सेलहोर्ट्स प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में मेरिची अपने गिटार पर प्रस्तुत कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी में जवाबी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद सेलहोर्ट्स गया नया नेता बन गया हालांकि नसीम मेधूत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में सबके मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक हिस्पैनिक लड़के के साथ डेटिंग कर करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लेवेल्स देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन से विकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेलडेज और लिखे हैं लुइस वेल्डज और बेस्ड ऑन है हेरिटिज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग लिएजाई मॉरल रोजाना एडोडा एलिजाबेथ पैन्ना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम है वन हंड्रेड एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो डायमंड फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब मॉरल रिचेस हाफ ब्रदर के में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचर्स मदर के रूप में एलिजाबे मॉडल लुडविंग के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के रूप में रिक टेरक्यूल के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में कॉन्पिन द रियल वेलेनुजुला रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचिया एंड एट द फैमिली पार्ट डेनियल वर्ल्ड लुइज यंगर ब्रदर एज अंगल लीलो और चलिए मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने वाले दुःप्रणों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुचकलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट दिलहूड्स सिल में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिची अपने गिटार पर प्रदर्शित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो, डोना इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया का नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत तो बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं किन उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक स्पेनिश लड़के के साथ डेटिंग का कर, स्कैक करने, करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिचि ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात, रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेलडेज और लिखे हैं लुइस वेलडेज और बेस्ड ऑन है हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर है और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडेसुडा एलिजाबेथ बेथ पैना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इस वन एट मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मिलियन डॉलर। तो चलिए इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर के रूप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मॉरल्स के रूप में डैनिए वन जेरे लूडवी के रूप में जोए पेंटोलिनो बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेक्यूलिन के रूप में स्टीफन ली एज द बिग पॉपर के रूप में एज मिस्टर फादर के रूप में कॉन्सेपियन वेलेनुजुला रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचर एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वेज ए लुइज यंगर ब्रदर एज रिचेज लीलो के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड स्टीवन रिचर्डी एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां वालेजूला और अपने छोटे भाइयों और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एड्रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार बार आने वाले बारो के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से जल कर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मॉरलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह से लूहूट्स प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिचि अपने गिटार पर प्रदर्शित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और डोनो, डोना इसमें शामिल नहीं होती रिचि ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं न, उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक स्पेनिक लड़के के साथ डेटिंग कर स्कैक करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लेवेलेस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन अंत स्वीकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेलडेज और लिखे हैं लुइस वेल्डेज और बेस्ड ऑन है हेरिटिज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर हैकफोर्ड बिल बॉर्डन और इसे स्टारिंग दिए इजाई मॉरल रोजाना एडोडा एलिजाबेथ पैन्ना जो पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउच और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इसका रेंट टाइम एट मिनट और ये स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो डायमंड फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब मॉरल रिचेस हाफ ब्रदर के में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचर्स मदर के रूप में एलिजाबे मॉरल के रूप में वॉन एज डेनियोना के रूप में जोए पेंटोलिनो एज बॉब कीना के रूप में रिक टेरक्यूल के रूप में स्टीफन ली एज बिग द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में वेलेनुजुला, द रियल कॉनिया वेलेनुजुला रिचे मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचिया एंड एट द फैमिली पार्ट डेनियल वर्ल्ड लुइज यंगर ब्रदर एज अंगल लीलो और चलिए मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी माँ कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और रॉक बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार-बार आने वाले दुःप्रणों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से कुचकलकर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट दिलहूड्स सिल में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह से प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिची अपने गिटार पर प्रदर्शित कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और दोनों इसमें शामिल नहीं होती रिची ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से का नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत तो बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में सबके मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं उन उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक स्पेनिक लड़के के साथ डेटिंग कर, करने, करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में टुगेदर और कम लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन स्वीकार करना सीख जाता है रिचि ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात, रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ल बाम्बा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उन्नीस सौ सतासी की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं लुइस वेल्डेज और लिखे हैं लुइस वेलडेज और बेस्ड ऑन है हेरिटेज वेलेंस द डे ऑफ द म्यूजिक डाइड और इसे प्रोड्यूस किए हैं टाइलर है और इसे स्टारिंग दिए इजाई मोरल रोजाना एडेसोडा एलिजाबेथ बेथ जोय पेंटोलिनो लुई डायमंड फिलिप्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए एडम ग्रीनबर्ग और इसे एडिट किए हैं सेल्डन खान डॉन ब्राउचू और इसे म्यूजिक दिए कॉल सनाटना माइल्स गोडमैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू विजंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोलम्बिया पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी जुलाई उन्नीस और इस वन है एट मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिफ्टी फोर पॉइंट टू मिलियन डॉलर तो चलिए इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लो फिलिप्स एज रिची वेलनेस के रूप में इजाई मॉरल एज रॉबर्टो बॉब रिचेस हाफ ब्रदर के रूप में रोजाना डिसोडा एज कॉर्निया वेलोजोला रिचेस मदर के रूप में एलिजाबेथ पैना एज रोजिया मॉरल्स के रूप में डैनिए वन जेरे लूडवी के रूप में जोए पेंटोलिनो बॉब कीना के रूप में रिक डिज एज टेड क्यूलिन के रूप में स्टीफन ली एज द बिग पॉपर के रूप में सैम एडरसन एज मिस्टर ल्यूडिंग डोना फादर के रूप में कॉन्सेपियन वेलेनुजुला वेल द रियल कॉनिया रिचेज मदर एंड द ओल्डर वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू रिचर एंड एट फैमिली पार्ट डेनियल वेज ए लुइज यंगर ब्रदर एज, एज, एज रिचेज लीलो और मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं 1957 की गर्मियों के दौरान उत्तरी कैलिफोर्निया में रिचर्ड रिची स्टीवन वालेजुला एक 16 वर्षीय मैक्सिकन अमेरिकी लड़का है जो अपनी मां कॉन्सेप्शन कोनी वालेजुला और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहता है उसका परिवार गरीबी है और वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता है उसे संगीत पसंद है विशेषकर रॉक एंड रोल और वह रॉकस्टार बनने का सपना देखता है रिची अपने स्कूल के ठीक ऊपर हवा में हुई टक्कर के बारे में बार बार आने वाले बारों के कारण एवियोफोबिया से पीड़ित है जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त के गिरे हुए विमान से जल कर मौत हो गई थी एक ऐसी घटना जिसे वह अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण नहीं देख पाया था एक दिन रिची का परेशान बड़ा सौतेला भाई बॉब मोरेलेस जेल से रिहा होने के बाद आता है और उसे और उसकी मां को आश्चर्यचकित कर देता है वे सभी खेत छोड़कर बॉब की प्रेमिका रोजी के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में रहने का फैसला करता है तीन महीने बा, बाद रिची सैन फोर्नाडो हाई स्कूल में जाता है जहां उसे अपने सहपाठी डोनो लूडिंग से प्यार हो जाता है और वह अपने दोस्त चीनो के बेट सिलहुड्स में शामिल हो जाता है बॉब शराबी बन जाता है और रोजी के साथ दुर्व्यवहार करता करना उस पर चिल्लाना और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि रोज वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और चला जाता है रिची डोनो को एक गैराज पार्टी में आमंत्रित करता है जहाँ वह प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी में रिचि अपने गिटार पर कर देता है लेकिन उसे गाने के बारे में नहीं मिलती है और दोनों इसमें शामिल नहीं होती रिचि ने एक अन्य पार्टी की मेजबानी करने का फैसला किया और अपने मूल नेता को वोट देने के बाद से गया नया नेता बन गया हालांकि नशे में धुत बॉब पार्टी में घुस जाता है और उपस्थित लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है अगले दिन हॉलीवुड में डेल फाइव रिकॉर्ड्स में के मालिक और अध्यक्ष बॉब किन रिचि को पार्टी में तो प्रदर्शन करते देखने के बाद उसका ऑडियंस ऑडिशन लेते हैं और उसे अपने लेबल पर साइन करते हैं न, उनका रिकॉर्ड निर्माता और प्रबंधक बन जाता है दोनों के पिता द्वारा अपनी बेटी के एक स्पेनिक लड़के के साथ डेटिंग कर स्कैक करने के बावजूद रिची और दोनों एक जोड़े बन गए और रिची ने गोल्ड स्टार स्टूडियो में वी बिलोंग टुगेदर और कम ऑन लेट्स गो जैसे गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया किन रिची को अपना पेशवर नाम रिची लिवेलस देता है जिसे रिची शुरू के नाम पसंद करता है लेकिन से विकार करना सीख जाता है रिची ने रेडियो पर अपने गाने रिलीज करना शुरू कर दिया और रातों रात सनसनी बन गया अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद रिचि को डोना के साथ रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसके पिता ने रिचि को उससे मिलने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें